नमस्कार। आज के लेक्चर का पहला टॉपिक है रिड्यूस मास या समानीत द्रव्यमान। तो रिड्यूस मास या समानीत द्रव्यमान हम केवल द्विपिंड निकाय के लिए पढ़ते हैं। समानीत द्रव्यमान या रिड्यूस्ड मास। परस्पर आंतरिक बलों के कारण गतिमान किसी द्विपिंड निकाय टू बॉडी सिस्टम का समानीत द्रव्यमान उस कण के द्रव्यमान के बराबर होता है जो आंतरिक बल लगने से द्विपिंड निकाय के तुल्य गति करता है जबकि कण का पोजिशन वेक्टर स्थिति सदिश द्विपिंड निकाय के कणों के बीच स्थिति सदिश के बराबर होता है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। का मतलब रिड्यूस मास ऑफ अ टू बॉडी सिस्टम इज इक्वल टू द मास ऑफ ए पार्टिकल विच मूव्स इक्विवेलेंटली एज टू बॉडी सिस्टम व्हेन इंटरनल फोर्स इज अप्लाइड ऑन दैट पार्टिकल एंड द पोजिशन ऑफ दैट पार्टिकल इज सेम एज पोजिशन वेक्टर ऑफ टू पार्टिकल्स इन टू बॉडी सिस्टम। मतलब अगर मान लीजिए हमारे पास टू बॉडी सिस्टम है जिसमें कि दो मासेस एम वन और एम टू हैं और इनके बीच का जो पोजिशन वेक्टर है वो आर वेक्टर है, दोनों के बीच में केवल इंटरनल फोर्सेस एफ वन टू और एफ टू वन एक्ट कर रहे हैं, तो इस टू बॉडी सिस्टम को हम रिड्यूस कर सकते हैं एक ऐसे पार्टिकल के द्वारा का मास म्यू के बराबर है
और उसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से आर वेक्टर के इक्वल है, तब ये मास म्यू रिड्यूस मास ऑफ टू बॉडी सिस्टम कहलाएगा, जहां समानित द्रव्यमान म्यू इज इक्वल टू एम वन एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू या वन ओवर म्यू इज इक्वल टू वन ओवर एम वन प्लस वन ओवर एम टू। इस फार्मूले से, मैथमेटिकल फार्मूले से हम म्यू का मान दे सकते हैं। इसके द्वारा पिंड गति को एक कण की गति में बदला जा सकता है, जिससे गणना करने में आसानी होती है। ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। अब लेंगे इसके फॉर्मूले का म्यू इज इक्वल टू एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू का प्रूफ। माना हमारे पास दो मास M1 व M2 हैं, जिनके किसी ओरिजिन O से पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर और R2 वेक्टर हैं। M1 और M2 के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्मॉल r वेक्टर इक्वल टू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर होगा। माना M1 पर फोर्स F12 टू के कारण और M2 पे फोर्स F21 1 के कारण अप्लाई हो रही है, और ये इंटरनल फोर्सेस हैं। इंटरनल फोर्सेस हैं तो आपस में बराबर होंगी और अपोजिट डायरेक्शन में। तो माना चित्रानुसार मूल बिंदु O से R1 पोजीशन वेक्टर व R2 पोजीशन वेक्टर पर दो कण क्रमशः M1 व M2 द्रव्यमान के हैं। माना आंतरिक बल F12 व F21 है, न्यूटन के द्वितीय नियम से। F12 is equal to M1 T square R1 vector over DT square और F21 is equal to M2 T square R2 vector upon DT square। चित्रानुसार
small r vector equal to r1 vector minus r2 vector. इसलिए इसका सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर आर वन वैक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आर टू वैक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर. अब ये वैल्यू ये समीकरण एक व दो से रख देंगे तो डी स्क्वायर आर वैक्टर ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ वन टू अपॉन एम वन माइनस एफ टू वन ओवर एम टू. हमने समीकरण एक व दो से मान रख दिया. अब एफ वन टू और एफ टू वन इंटरनल फोर्सेस हैं तो वो आपस में बराबर होंगे. तो माना एफ वन टू वैक्टर इज इक्वल टू माइनस एफ टू वन वैक्टर इक्वल टू एफ. हमने ये मान लिया ये दोनों मिला के आपस में इक्वल एंड अपोजिट हैं और इनका जो वैल्यू है वो एफ वैक्टर के इक्वल है. माइनस एफ के मान लेते माइनस एफ वेक्टर मान यानी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू फिगर. तो ये वैल्यू रखने पर अतः टी स्क्वायर आर वेक्टर ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एम वन माइनस एफ वेक्टर ओवर एम टू यानी इसमें हम ले सकते हैं माइनस एफ वेक्टर कॉमन आ गया वन ओवर एम वन प्लस वन ओवर एम टू. और इसको हमने मान लिया टी स्क्वायर आर वेक्टर ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एफ वेक्टर इंटू वन बाई म्यू जहाँ म्यू बराबर वन ओवर म्यू बराबर वन ओवर एम वन प्लस वन ओवर एम टू. इससे हमें प्राप्त हो गया म्यू टी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एफ वेक्टर जो कि एक ऐसे कण के लिए न्यूटन का द्वितीय नियम है इसका द्रव्यमान म्यू व स्थिति सदिश आर वेक्टर है तथा बल एफ वेक्टर मूल बिंदु की ओर है यानी कि म्यू पोजिशन वेक्टर आर वेक्टर और ये ओरिजिन हो गया और बल एफ वेक्टर इस तरीके से. तो इस प्रकार से टू बॉडी सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू वन बॉडी सिस्टम. अतः द्विपिंड निकाय
की गति, एक कण की गति में बदल जाती है। यूज हम जानते हैं म्यू इज इक्वल टू 1 ओवर एम वन एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू। यदि एक द्रव्यमान दूसरे से बहुत अधिक होगा तो म्यू कन्वर्ट हो जाएगा एम वन में, परंतु यदि एम वन और एम टू लगभग बराबर होंगे तो म्यू कन्वर्ट हो जाएगा लगभग एम बाई टू में। इसका मतलब क्या है कि रिड्यूस मास, अगर दोनों के द्रव्यमान, दो पिंड निकाय के दोनों द्रव्यमान में बहुत अंतर है तो भारी द्रव्यमान के लगभग बराबर होगा, हल्के द्रव्यमान के बराबर होगा। एम वन की वैल्यू एम टू से बहुत ज़्यादा है, ये म्यू इज इक्वल टू एम टू, क्योंकि म्यू इज नियरली इक्वल टू एम वन एम टू अपॉन वन, ये नियरली इक्वल टू। अगर दोनों द्रव्यमानों में बहुत अंतर है तो जो समानित द्रव्यमान होगा वो हल्के द्रव्यमान के बराबर होगा, और दोनों द्रव्यमान लगभग बराबर हैं तो म्यू का मान उनसे आधा होगा, यानी रिड्यूस मास हल्के द्रव्यमान की के तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसका यूज़ होता है एक्सप्लेन करने में कि एक हम ये देखते हैं कि पॉजिट्रोनियम के स्पेक्ट्रम की तरंग संख्या हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की कॉरस्पॉन्डिंग या संगत तरंग संख्या की आधी होती है। इस फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए रिड्यूस मास प्रयोग किया जाता है, कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं तरंग संख्या का फार्मूला न्यू बार इज इक्वल टू बोर्ड लॉ के अकॉर्डिंग न्यू बार इज इक्वल टू कैपिटल आर 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर, जहाँ फ्रिडबर्ग कांस्टेंट आर की वैल्यू होती है 2 पाई स्क्वायर एम ई रेज टू पावर 4 अपॉन सी एच क्यू। जहाँ स्मॉल एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है,
अतः न्यू बार प्रोपोर्शनल टू, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, सी एच ई टू पाई स्क्वायर, और संगत रेखाओं के लिए 1 ओवर एन वन स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन टू स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, तो हम कह सकते हैं कि न्यू बार प्रोपोर्शनल टू आर। रिलेशन नंबर 1। अब हाइड्रोजन के एटम में बीच में तो प्रोटॉन होता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, हाइड्रोजन में मास ऑफ प्रोटॉन लगभग बराबर होता है 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अतः का सामान्य द्रव्यमान म्यू इज इक्वल टू 1836 एम इंटू एम ओवर 1836 प्लस लगभग एम के बराबर आएगा, और पॉजिट्रोनियम में बीच में एक पॉजिट्रॉन होता है और चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। मास ऑफ प्लस इक्वल टू एम और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एम, अतः म्यू पॉजिट्रोनियम इज इक्वल टू एम इंटू एम ऑन एम प्लस दैट इज एम बाई। इस तरीके से हमने टू बॉडी सिस्टम को वन बॉडी सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। इस कारण रिडबर्ग नियतांक में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के स्थान पर समानित द्रव्यमान रखेंगे क्योंकि यहाँ एक कण का द्रव्यमान दूसरे से बहुत से की तुलना में नगण्य नहीं है, तो इस कारण निर्भर नियतांक में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के स्थान पर सामान्य द्रव्यमान रखेंगे। अतः रिडबर्ग नियतांक हाइड्रोजन के लिए इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम एस टू पावर 4 अपॉन ई एच क्यूब, और रिडबर्ग नियतांक पॉजिट्रोनियम के लिए टू पाई स्क्वायर एम बाई टू ई रेस टू पावर 4 अपॉन ई एच, दोनों की संगत स्पेक्ट्रमी रेखाओं का
रेखाओं की तरंग संख्या का अनुपात न्यू बार हाइड्रोजन अपॉन न्यू बार पॉजिट्रोनियम इज इक्वल टू आर एच ओवर आर पॉजिट्रोनियम इज इक्वल टू एम अपॉन एम वाई टू दैट इज टू एंस न्यू बार पॉजिट्रोनियम इज इक्वल टू हाफ ऑफ न्यू बार हाइड्रोजन. यही प्रूव करना था. ये एक्सप्लेन हो गया कि क्यों रिड्यूस मास के कारण संगत रेखा पॉजिट्रोनियम की हाइड्रोजन की. नेक्स्ट टॉपिक है सापेक्ष निर्देश तंत्र रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस. रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस यदि हम किसी निकाय को कणों के निकाय को स्टडी करना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ओरिजिन मानना पड़ेगा जिसके रेस्पेक्ट में कणों की पोजीशन, वेलोसिटी आदि का अध्ययन किया जाता है. यदि कणों के किसी निकाय के कणों के अतिरिक्त किसी अन्य बिंदु को अन्य बिंदु से निर्देश तंत्र जाए तो उसे सापेक्ष निर्देश तंत्र रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं. इसका मतलब मूल बिंदु कणों के निकाय के किसी कण पर नहीं होना चाहिए. इसे प्रयोगशाला निर्देश तंत्र लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं. इसमें कंडीशन हो गई कि मूल बिंदु निकाय के कणों पर नहीं होगा. दूसरा निर्देश तंत्र जो हमने पढ़ रखा है द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र. तो जैसा नाम से पता चल रहा है कि जो कणों का निकाय है उसके द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु होगा, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस. जब कार्तीय कोऑर्डिनेट्स यानी कार्तीय निर्देशांक तंत्र द्रव्यमान
को मूल बिंदु मानते हुए लिया जाता है, तो वह उस निकाय का द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र कोम सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है किसी सी पिंड निकाय के कणों के सापेक्ष व द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्रों में पोजिशन वेक्टर के बीच संबंध। रिलेशन बिटवीन दी पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू बॉडी सिस्टम इन रिलेटिव कोऑर्डिनेट रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो मास हैं m1 और m2। अब M1 का मूल बिंदु O से जो कि सापेक्ष निर्देश तंत्र में है अलग M1 और M2 से अलग पोजिशन वेक्टर है क्रमशः R1 वेक्टर और R2 वेक्टर और M1 और M2 का जो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजिशन वेक्टर सापेक्ष निर्देश तंत्र में आरसीएम वेक्टर है जैसा कि चित्र में दिखाया है। जब द्रव्यमान केंद्र को हम मूल बिंदु मानेंगे तो M1 का पोजिशन वेक्टर R1 डैश वेक्टर और M2 का पोजिशन वेक्टर R2 डैश वेक्टर है। M1 और M2 के बीच का जो पोजीशन वेक्टर है वो R वेक्टर है। R वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। माना चित्रानुसार सी पिंड निकाय के कणों M1 व M2
सापेक्ष स्थिति सदिश आर वन वैक्टर व आर टू वैक्टर तथा द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश क्रमशः आर वन डैश वैक्टर व आर टू डैश वैक्टर हैं। माना द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास का स्थिति सदिश सापेक्ष स्थिति सदिश आर वेक्टर आरसीएम वेक्टर है। ये सारी चीजें हमने एज्यूम कर ली जैसा कि हमने फिगर में शो कर रखा है। अब चित्रानुसार एम वन और एम टू का विस्थापन सदिश आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर, ये हो गया इक्वेशन नंबर वन। और हम जानते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास का पोजिशन वेक्टर होता है वो दिया जाता है एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू वैक्टर अपॉन एम वन प्लस एम टू फार्मूले से। अब इसमें आर वन की वैल्यू इक्वेशन वन से रख देंगे। आर वन की रख दीजिए चाहे आर टू की हो तो एक ही बात है। तो समीकरण दो में आर, पहले आर टू की रख लेते हैं, आर टू वेक्टर का मान समीकरण एक में रखने पर क्या हो जाएगा, आर सी एम वैक्टर इज इक्वल टू एम वन ओवर एम वन प्लस एम टू आर वन वैक्टर प्लस एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू आर टू वैक्टर की जगह हो गया आर वन वैक्टर माइनस आर वैक्टर। तो आर सी एम वैक्टर इज इक्वल टू आर वन वाली टर्म एक तरफ ले लेंगे और आर वाली टर्म एक तरफ ले लेंगे। ये हो जाएगा एम वन प्लस एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू आर वन वैक्टर माइनस एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू आर वैक्टर, यानी कि आर सी एम वैक्टर इज इक्वल टू आर वन वैक्टर माइनस म्यू ओवर एम वन आर वैक्टर, क्योंकि हम जानते हैं कि समानित द्रव्यमान म्यू इज इक्वल टू एम वन एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू होता है।
इसलिए यहाँ से म्यू ओवर एम वन की वैल्यू आ जाएगी एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू, इससे आर वन वैक्टर आ जाएगा आर सी एम वैक्टर प्लस म्यू ओवर एम वन आर वैक्टर। क्वेश्चन नंबर थ्री, अब आर वन की वैल्यू आ गई, अब ये आर वन की वैल्यू अगर हम समीकरण एक में रख दें तो समीकरण तीन से मान एक में रखने पर आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वन दैट इज आर सी एम वैक्टर प्लस म्यू ओवर एम वन आर वेक्टर माइनस आर टू वैक्टर। इससे आर टू वैक्टर आ जाएगा आर सी एम वैक्टर प्लस म्यू ओवर एम वन आर वैक्टर माइनस आर वैक्टर। लास्ट सेकेंड और थर्ड टर्म में राइट हैंड साइड में आर वैक्टर कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा आर सी एम वैक्टर इज इक्वल टू सॉरी ये हो गया आर सी एम वैक्टर प्लस म्यू ओवर एम वन माइनस वन आर वैक्टर। म्यू की वैल्यू में पता है एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, जब ये वैल्यू रख देंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा आर टू वैक्टर इज इक्वल टू आर सी एम वैक्टर प्लस म्यू ओवर एम टू आर वैक्टर। इक्वेशन नंबर फोर, तो ये इक्वेशन नंबर थ्री और इक्वेशन नंबर फोर सापेक्ष वेक्टर आर वन और आर टू वेक्टर और आर सी एम और विस्थापन सदिश आर वेक्टर में रिलेशन है। जब द्रव्यमान केंद्र पर मूल बिंदु होगा अर्थात निर्देश तंत्र में आर सी एम वैक्टर इज इक्वल टू जीरो, तो समीकरण तीन से आर वन डैश वैक्टर इज इक्वल टू यानी आर वन वैक्टर कन्वर्ट हो जाएगा आर वन डैश वैक्टर इज इक्वल टू म्यू ओवर एम वन आर वैक्टर। क्वेश्चन नंबर फाइव, वह समीकरण चार से आर टू डैश वैक्टर इज इक्वल टू म्यू ओवर एम टू आर वैक्टर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अतः समीकरण तीन व पांच से आर वन वैक्टर इज इक्वल टू आर सी एम वैक्टर प्लस आर वन डैश वैक्टर और समीकरण चार व छ से आर टू वैक्टर
is equal to RCM vector plus R2 dash vector. तो ये जो रिलेशन आया हमारे पास, ये सापेक्ष निर्देश तंत्र और द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में कणों के स्थिति सदिशों के बीच में संबंध है, 7 और 8। समीकरण 7 व 8 सापेक्ष वे द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में कणों के स्थिति सदिशों के बीच संबंध है, नमस्कार। आज के लेक्चर का पहला टॉपिक है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। न्यूटन के अनुसार दो द्रव्यमान दो द्रव्यमानों के बीच सदैव आकर्षण बल कार्य करता है, जिसका मैग्नीट्यूड दोनों द्रव्यमानों के प्रोपोर्शनल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के रेसिप्रोकल होता है। यह बल सदैव दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। यदि दो द्रव्यमान M1 और M2
हैं और उनको मिलाने वाला स्थिर सदिश आर वेक्टर है। तो एम वन पर एम टू एक बल लगाएगा जो कि आकर्षण का होगा, और ऐसे ही एम टू पर एम वन एक बल लगाएगा वो भी आकर्षण का होगा। न्यूटन के नियम अनुसार एफ अनुक्रमानुपाती एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर वे वेक्टर फॉर्म में एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर आर कैप। जहाँ आर कैप आर वेक्टर की दिशा में एकांक वेक्टर है, जहाँ आर कैप आर वेक्टर की दिशा में एकांक वेक्टर या एकांक सदिश है, तथा की सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ऋणात्मक चिन्ह आकर्षण बल को प्रदर्शित करता है। जी का मान 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तथा इसकी विमा या डायमेंशन फार्मूला जी का एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू होता है। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव कार्य करता है यह अन्य बलों जैसे वैद्युत चुंबकीय नाभिकीय की तुलना में बहुत कम होता है। यदि दो कणों के बीच दूरी अनंत हो तो गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होगा।
बहुत कम दूरी लेस देन टैंगस्ट्रॉम के लिए यह सूत्र लागू नहीं होता है। ये हुआ गुरुत्वाकर्षण बल।